Titulky vytvořil JohnyX. अजीज़ तलबा व तलबात आज हमारी गुफ्तु का मौजू मरूफ़ अदीब शायर और नक़ात प्रोफ़ेसर आलमद सरूर की हम जह शख्सियत है इस नशस्त में हम तनकीद में उनकी ग्रह क़द्र खदम पर नज़र डालेंगे शख्स तारफ़ उर्दू के मुमताज़ अदीब और नक़ात प्रोफेसर आलमद सरूर बदायों में उन्नीस सौ ग्यारह में पैदा हुए इब्तदाई तलीम मकामी मदरसे में 1928 में हासिल की मेट्रिक पास किया आपके वालद माजिद आगरे में सरकारी मुलाजमत में थे वहीं रहकर सरूर साहब ने सेंट जॉन्स कॉलेज से इंटरमीडिएट बीएससी 1932 में और अलीगढ़ पास किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए किया 1934 में और कुछ अरसे तक वहीं तदरीस भी करते रहे इसी असना में उर्दू में एम किया और शोब उर्दू में उर्दू तदरीस के लिए मुकर किए गए कुछ अरसे तक उन्नीस सौ पैंतालीस तक वहाँ रहे फिर रज़ा इंटर कॉलेज रामपुर में प्रिंसिपल होकर चले गए फिर बैसीत रीडर शोब अलीगढ़ में उनका तकर हुआ उस वक्त उन्होंने अदबी दुनिया में अपनी शायरी और नसरी मजामी के ज़रिए काफ़ी शहरत हासिल की इससे कल वह लखनऊ में तकरीबन दस बरस रहे और उनकी इलमी शहरत और उनकी लियाकत का वहाँ काफ़ी चर्चा रहा उन्नीस सौ पचपन में वो अलीगढ़ में प्रोफ़ेसर के मुमताज़ उदे पर फ़ायज़ किए गए चंद दिनों बाद वहीं वो सदर शोभा हुई और अट्ठारह बरस तक, तक तकरीबन वहाँ वो इसी मनसब पर फायज़ रहे और ज़बानों अदब की खिदमत अंजाम देते रहे उन्नीस सौ तिहत्तर में आखिरकार रिटायर हो गए मुलाजमत से सुखदोश होने के बाद बेशुमार सरकारी गैर सरकारी एजाज से नवाजे जाते रहे बर उन मुल्कों के मुतद सफ़र किए अलीगढ़ शोब उर्दू की, की नामवरी और इज़्ज़त शहरत में सरूर साहब की कोशिश लगन और सरगर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है उन्होंने अपनी लगातार इलमी व अदबी कारी सेमिनार मुकरे और दीगर प्रोग्रामों के जरिए शोब उर्दू को हमेशा फ़ाल रखा सरूर साहब की इब्ताय उम्र में दिलचस्पी गरज शायरी से थी उनकी गज़लों और नदमों पर मुशतम मजमू भी शाये हुए लेकिन बतदरीज उर्दू तनकीद ही उनकी तवज्जो का मरकज़ बनती चली गई शायरी का सिलसिला भी चलता रहा लेकिन उनकी शोहरत और मकबूलीत में उनकी तनकीद का किरदार बहुत नुमायाँ रहा है उन्होंने तनकीद को अपना बुनियादी मशगला बना लिया और काफ़ी तसलसल के साथ उर्दू के अहम रसायल में तनकीदी मजामी शाया करते रहे कसर तादाद में उनके मजामी मुख्तलिफ अत में किताबी शक्ल भी शाया हुए हाँ सरूर साहब ने तकरीबन नब्बे बरस की उम्र पाई और दो हज़ार दो में उनका इंतकाल हुआ इस दौरान उन्होंने उर्दू श उदवा और नक़ादों की कई नस्लों को देखा मतदद अहम तहरीक से वस्ता हुए मसल तरक् पसंद तहरीक और जदीदियत पर मबनी रुझान तहम उन्होंने अपनी राह अलग बनाई तनकीद निगारी का आगाज आलम सुरूर को इब्ता से ही अपनी करीबी माहौल में शेर व की फ़जा मिली जागीदाराना माशरा जिस तरह शेर व सुखन का दिलदादा और परिस्तार था सुरू के जहन पर उसके गहरे असर मतसम होते चले गए शेर व अदब के अला मजाक शेर फहमी शुन शनासी के मासवा शेर गोई से शगफ ने बतदरीज उन्हें शेर व सुखन की तनकीद और तहसीन के संजीदा अमली सरोकार की तरफ मायल किया जुलाई उन्नीस सौ इकतीस से तस्नीम आगरा नाम के रिसाले में उनकी तहरीरें शाया होने लगें जब वो एक खूबरू हौसलामंद इस्कालर की तरह अलीगढ़ के इलमी माहौल में दस व तदरीस के मनसब पर फ़ॉज थे तो उन्हीं दिनों तरक् पसंद अदबी तहरीक अलीगढ़ की शाख के जनरल सेक्रेटरी भी बनाए गए तहमसरूर साहब के बारे में यह कहना ज़्यादा सही होगा कि उन्हें अदबी परक की जो रवायत हाली शिवली और इमदाद असर वगैरह से मिली थी उसके वो संजीदा पारक और बड़ी हद तक कदरदान भी थे लेकिन उन्होंने इसी पर तकिया कर लेना मुनासिब ख्याल नहीं किया चान तरक्की पसंद अदबी तहरीक से उनकी वाबस्तगी का जो सिलसिला अलीगढ़ में शुरू हुआ था वो लखनऊ में भी न सिर्फ बाकी रहा बल्कि वहाँ उसे मजीद तगोताज हासिल हुई खुद उनके घर पर इसके जलसे मुनद होते थे जिनमें वो तकर तक्रे, तक्रे तहरीर के ज़रिए हिस्सा लेते और अपने ख़्यालत का इजहार करते थे यह सिलसिला उन्नीस सौ पचपन तक बदस्तूर जारी रहा जब वो लखनऊ से दोबारा अलीगढ़ प्रोफेसरी के मनसब पर वापस आए तो अलीगढ़ में अब फ़ा कदरें बदली हुई थी और ख़ुदसरू साहब अदबी परख अदब शनासी और अदब फहमी के लिए किसी ख़ास नज़रिए का दस निगर रहना पसंद नहीं करते थे यहाँ आकर तरक् पसंद अदबी तहरीक से उनका रिश्ता कमज़ोर पड़ गया और जदीदी अरब मबनी हल्के से उनका ताल्लुक ज़्यादा मजबूत और गहरा होता चला गया जिसे उनकी सरपरस्ती और ताउन से बड़ी क़वत और तोानाई हासिल हुई ये वो ज़माना है जब तरक् पसंद तनकीद का, का काफ़िला मजनू गोरखपुरी अख्तर हुसैन रायपुरी मुमताज़ हुसैन सैद एतशाम हुसैन नज़ीज़ अहमद और अली सरदार जाफरी वगैरह की क़्यादत में आगे बढ़ रहा था और अदब बरए अदब व अदब बरए समाज व सियासत के नारे पूरी फ़जा में जोर शोर से गूंज रहे थे इस माहौल में सरूर साहब ने नेम बगावत बलंद किया ना ही तरक् पसंद फिक्र के ख़िलाफ़ एहतजाज किया बस खामोशी के साथ अपनी फिक्र का धारा एक सम से दूसरी समत मोड़ लिया तहम जिस तरह उन्होंने क्लासिकी तीदी रवायत को कदीम फरसुदा जानकर उससे एक लख्त कनारा नारा कशी अख्तियार नहीं की बल्कि ज़रूरी हद तक बाद अदबी अकदार से इस्तेफादा जारी रखा तरक् पसंद फिक्र से भी उन्होंने मुसबत अंदाज में इस्तेफादे के दरवाज़े खुद पर कभी बंद नहीं किए सुरू साहब ने अदब के मास भी बेशुमार मौजुआत तालीम तहज़ीब फन लतीीफा समाजी और सियासी रुझाना मैलाना पर लगातार लिखा है जिसकी वजह से उनकी तहरीरों का दायरा वसी है लेकिन यहाँ हमारे पेशनजर सिर्फ उनकी शख्सियत का एक रुख और उनके मजमू कारनामों में से सिर्फ उर्दू तनकीद में उनकी खदमात पर रोशनी डालनी मकसूद है इसलिए उनकी चंद अहम मतबूआत के नाम ही यहाँ पेश किए जा सकते हैं जो बेशतर सरूर साहब के तनकीदी मजामी पर मुश्तल हैं मसला अदब और नज़रिया पहचान और परक तनकीद क्या है तनकीद के बुनियादी मसाइल तनकीदी इशारे फिक्र फन कुछ ख़ुतबे, कुछ मकाले मजमू तनकीदा मसरत से बसरत तक नजर और नज़रिए नए और पुराने चराग सरूर साहब के तनकीदी मजामी मकालत पर मुशतम वो तसनीफ़ा हैं जो 1940 से लेकर के इंतकाल 2002 हज़ार दो इन साठ बरसों में यकजा किए गए हैं इनके इलमी सफ़र के दौरान अदबी मंज़र नामे में जो भी पेश वकम और तब्दीलियाँ आईं और अदबी तनकीदी बहस व बहसे हुए उनकी गूंज साफ तौर पर इन मजामी में सुनी जा सकती है नमूने तहरीर अब मजामी पर मुश्तमिलहब तनकीद क्या है कि मरूफ किताब नुमान से माखूज एक मुख्तर सातबास सुनाया जा रहा है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके ख्याल के मुताबिक अदबी तनकीद किसे कहते हैं और इसके हदूद क्या हैं नक़ाद महज फलसफी या मुबली के माहिर नफसियात नहीं होता वह साहिब नजर होता है वो बकौल रिचर्स जहन के साथ वहीमल करता है जो डॉक्टर जिसम के साथ करता है वो क़दरों के साथ रहता है खालिक बरतने वाला और फैलाने वाला है कदरों के खालिक की हैसियत से वो कदरों के बरतने के तमाशे को ज़रा बुलंदी से देखता है और बरतने वाले की हैसियत से वो महज़ मौलि में मुबलक से ऊंचा मकाम रखता है इस वजह से उसकी तबलीग दूसरे की तबलीग से बेहतर होती है उसमें ज़्यादा अबदियत होती है हम उससे दूर तक और देर तक काम ले सकते हैं अब सिर्फ ये सवाल रह जाता है कि आया तनकीद के लिए कोई एक जाम असलाह वज़ा की जा सकती है या नहीं मेरे ख़्याल में इसके लिए परख का लफ सबसे ज़्यादा मौजों है इसमें तारुफ तर्जुमानी और फैसला सब आ जाते हैं परख के लफ्ज़ के साथ हमारे जहन में एक मैार कसौटी आती है नक़ाद के जहन में ऐसा एक मैार ज़रूरी है परखने और तोलने के लिए तर्जुमानी और तज्य ज़रूरी है मुबसर या पारक अपना फ़ैसला मनवाने के दर पर नहीं रहता वो तमाम नक़ाद इस बात से मुतफ़ हैं कि नक़ाद को आमिर नहीं होना चाहिए अहम मामला में एलियट कहता है कि नक़ाद को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए न उसे अच्छे बुरे का फ़ैसला शादिर करना चाहिए तो उसे सिर्फ़ वजाहत करनी चाहिए और फिर पढ़ने वाला ख़ुद ही एक सही नतीजे तक पहुँच जाएगा उसका तारफ़ किसी नकीब की पुकार नहीं होता वो एक सयाह की दरियाफ्त होता है नकाद भी अपनी दुनिया का कोलंबस है वो पढ़ने वाले को एक नई फ़जा में ले जाता है जिसका हुस्न उसने दरियाफ्त किया है हर तनकीद एक जहनी सफ़र का आगाज़ है तारुफ को ऐलान न होना चाहिए और न तर्जमानी को फ़लसफ़ा नकाद को तर्जमानी के फ़र्ज से अच्छी तरह उहदाबरा होने के लिए मारूजियत ऑब्जेक्टिविटी सीखनी चाहिए मारूजियत को बाद लोग इलाक की बुनियाद कहते हैं अगर नक़ाद मुसन्फ़ को ये मौका देता है कि वो इसकी आवाज़ से बोले और उसके कलम से लिखे उसे थोड़ी देर के लिए अपने अंदर समा जाने दे और इस तरह उसके साथ इंसाफ करे तो अच्छा नक़ाद है अच्छा नक़ाद पढ़ने वाले को शायर से शायरी की तरफ ले जाता है मामूली नक़ाद या शायर में उलझ कर रह जाता है उर्दू में अभी तक खवास दूसरों की राय के पाबंद होते हैं वह हर फ़ैसले को आँख बंद करके कबूल कर लेते हैं इसमें हीरो परस्ती के अलावा जहनी काहली भी शामिल है इसीलिए तस्वीर के दोनों रुख देखने की तकलीफ़ नहीं गवारा करते एक रुख एक फ़ैसला एक फार्मूला उन्हें मतम कर देता है वह हर चीज़ को परखने की जहमत में पढ़ना नहीं चाहते पारक बनने के लिए बड़े नजम बड़े रियाज और जहन रसा की ज़रूरत है जब ही तो उर्दू तनकीद में मुबल और नकीब बहुत हैं पारक और मुबसर कम अफसरू साहब की मुशक्र किताब तरक् पसंद तनकीद से माखूज मुख्तसर इकतबात सुनी है जिस पर एक नज़र में उन्होंने उर्दू की अदबी तारीख में रनम होने वाली एक तारीख़ साज तहरीक की तनकीदी खिदमत पर रोशनी डाली है ये वो तहरीक है जिसे खुशरूर साहब काफ़ी अरसे तक वाबस्ता रहे इस तहरीर से तरक् पसंद तनकीद की उनकी नज़र में क्या अहमियत है इसका अंदाज़ा किया जा सकता है सुरू साहब फरमाते हैं तरक् पसंद तहरीक के पहले पाँच साल अदबी अहमियत से ज़्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं उनके साथ उसके तबलीगी रुझान में गर्च कमी आई है खिताबत की जगह संजीदा दलाइल ने ले ली है मज़दूर औरकलाब या जदलियाती और इश्तराकी जादू की छड़ी न रहे उनकी वजाहत ज़रूरी ठहरी तरक्की पसंद तहरीक ने अपने दूसरे दौर में इस सरजमीन में अपनी जड़ें मजबूत कि माजी की तरफ नज़र दौड़ाई और इसमें एक बामानी और रोशन मकसद देखा और पाया नज़ीर को बालों ने जोश में आकर पोलारी इनकलाब का लम्बरदार कहा अब इस जोश में ठहराव पैदा हुआ हर मज़दूर हीरो और हर किसान फरिश्ता न रहा उनकी इंसानी कमजोरियां भी नजर एक बड़ी तब्दीली ये हुई कि उसने वक्ती सियासत की खातिर अदबी वसूलों को पसे पस डालना भी छोड़ दिया ये ज़्यादा रवादार ज़्यादा वसीउल उकल्ब ज़्यादा संजीदा और ज़्यादा बेदार हो गई जो लोग माकबल को फाशिश बताते थे उस पर ज़ोर देते थे कि टैगोर और इकबाल की बीमारों की तरह ग्रेज करती हुई शायरी है उनकी बातें काबिल इतना ना रहीं लोग हाली चकबस इकबाल के अलावा गालिब मीर वली के अदबी और तारीख़ी कारनामों को सराहना ज़रूरी समझने लगे और इस तरह सही व साल तरक् पसंद तनकीद का आगाज़ हुआ अब जो तहरीर आप सुनेंगे वो सुरू साहब की मरूफ किताब नज़र व नज़रिए से माखूज है सुरू साहब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक जदीदीत के हामी और तर्जुमान रहे ये रुझान तरक्की पसंद तहरीक के मुतवाज़ि फ़र पाता रहा जिसके अदबी व तनकीदी तस्वूर कई लिहाज से तरक्की पसंद नजरिए तनकीद से मुख्तफ हैं सुरूर साहब की तहरीर की इकतबात से इसकी कुछ खसूसियात पर रोशनी पड़ती है फरमाते हैं जदीदियत किसे कहते हैं वो कौन सी आवाज़ है जो इस दौर के अदीबों और शायरों के यहाँ मुश्तरक है खा ये शायर अदीब एक दूसरे से कितनी ही मुख्तल क्यों ना हों वो कौन सी खसूसियत है जो हम किसी न किसी तरह का पहचान लेते हैं और जब किसी फन पारे में इसे पाते हैं तो बेसाख्ता उससे नफरत या मोहब्बत करने लगते हैं इस खसूसियत आवाज़ मिजाज या रूह को हम कैसे वाज़ करें क्या ये इबाम है क्या यहती रंग है कि यह जाती हवाला प्राइवेट रिफरेंस है क्या यह मुख्तलि मतजाद आवाज़ों के टकराने का दूसरा नाम है क्या यह अबदी कदरों के बजाय वक्ती और हंगामी कदरों की अक्सी है क्या यह तामीम के बजाय मुनफरद या शख्सी अंदाज़ कही जा सकती है क्या इसकी रूह तंजियाती है या कनायाती है और बजाहिर? इस संजीदगी और संजीदगी के पर्दे में तंज जिसे हजब मली कहते हैं क्या यह हरो परस्ती के ख़िलाफ़ एलान जंग का नाम है और हीरो के मिट्टी के पाँव दिखाकर सबको हीरो बनाने का हीला क्या बुरशिकनी के पर्दे में एक बुत है क्या इसका मकसद महज किसी शहरत की सतहियत को वादे करना और किसी आइडियल इदारे या शख्सियत से वाबस्त जो जज्बाती गलाफ है उसका पर्दा चाक करना है क्या यह इंसान की बुलंदी का रज है या उसकी पस्ती का लमियाँ क्या यह साइंस का कसीदा है या उसका मरसिया क्या यह वलूम की रोशनी से अदब के काशाने को मनवर करने का दूसरा नाम है यह एक नौजायदा बच्चे की हैरत खौफ से मिले जज्बे की मशवरी क्या ये इंसानी शुरू की इरता की कहानी का ताज़ा तरीन बब है या उसके लाशूर के तहदर तय राजों से पर्दा उठाने की कोशिश क्या यह रवायत फ़न फन कदीम सरमाए की सदियों की कमाई से महरूमी और उस पर हर धर्मी के ऐनादार है या ये बेजार नावाकफियत की बिना पर नहीं बल्कि सच्ची बे और तजर्बे की आखिरी हदों को जब्त तहरीर में लाने का नाम है ये और बहुत से सवालत हैं जो किए जा सकते हैं और लुत्फ़ ये कि इनमें से हर सवाल जवाब भी रखता है जो अपनी जगह गलत भी नहीं मगर ताबीरों तोहों तस्वीरों के जंगल में कोई वाज़ और जाम तस्वुर आसान भी नहीं है फिर ये कोशिश ज़रूरी है अब जो इकतबात पेश किया जा रहा है उसमें उसका है कुछ फ़राक़ के बारे में जो सुरूर साहब के मजमू पहचान और पर में शामिल है एक लिहाज से उनकी अमली तनकीद का भी एक नमूना है इसकी करत से अंदाज़ा किया जा सकता है कि सुरूर साहब किसी शेरी मतन का मतलब किन अदबी और तनकीदी असूलों की रोशनी में करते हैं सुरूर साहब फरमाते हैं फराग की तनकीदें तासराती ज़्यादा होती थी मारूजी कम मगर इसकी खमीर के साथ उसकी खूबी और उसकी कमज़ोरी के साथ उसकी ताकत को भी जहन में रखना चाहिए उन्होंने इब्तदा में वसीम खैर आबादी से इस्लाह लिया और इस तरह अमीर मीनाई के रास्ते से अपना शेरी सफ़र शुरू किया उन्होंने ख़ास रियाज के बाद अपनी आवाज़ को पाया और उनकी अदबी शहरत भी न्याज के तारफ़ी मजमून से शुरू होती है मगर अपनी आवाज़ तक पहुँचते पहुँचते वो उर्दू अदब और आलमी अदब की कितनी आवाज़ों पर कान धर चुके थे यह नुक्ता जहन में रखना जरूरी है मीर मुसफ़ी मोमिन गालिब हसरत अमीर मिनाई के उन पर असरात की निशानदेही की गई है और डॉन वर्ड्सवर्थ और टैगोर के की भी उन्होंने कहीं उन शोरा के अफकार को जज्ब किया है और कहीं उनको अपनी ज़बान में पेश भी किया है उनके मुस्तार ख्याल की वजह से ये भी कहा गया है कि वो मांगे के उजाले से अक्सर काम लेते हैं मगर उन्होंने अपने खयालात की चिंगारी से जावाजा अपना शोला भी रोशन किया है एलियट ने इस सिलसिले में पते की बात ये कही है कि मांगे के उजाले को ना देखो उस किरण को देखो जो इस उजाले से निकली है फ्राक मार्सजम के असर से चले थे मगर पहुँचे हिंदुज़म तक तरक्की पसंद तहरीक ने उन्हें जल्द नासुदा कर दिया और जदीदियत का तजर्बों से वो अपने को हम आहंग ना कर सके। फार्म के मामले में रवायत उन्हें ज़्यादा अजीज़ थी यूँ तो उन्होंने गज़लें भी कहीं और नजमें भी रुबाइयाँ भी और तजमीने भी मगर दरअसल वो गज़ल के शायर हैं उनकी नजमों में हंडोला शाम अयादत आधी रात परछाइयाँ और जुगनू पर नज़र ठहरती है यरूब के कुछ रुबाइयाँ हिंदुस्तानी फ़जा की वजह से अकबर के रुबाइयों में अकबर की मानवियत के एहसास की वजह से भी उनके यहाँ जो तनवु है उसे कैसे नज़रअंदाज किया जाए दरिया अपनी मौज में ख़सो खाशाक भी बहा आता है मगर मौज के जोश व खरोश उसकी तोानाई और उसके रक़्स को तो मान नहीं पड़ता है बहसे नकाद सुरू साहब ने उर्दू में अदब के तमाम पहलुओं और असनाफ़ पर भरपूर अमली तनकीद के उमदा नमूने पेश किए हैं जिनमें मीर गालिब अकबर इकबाल असगर फानी जिगर और हसरत वगैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं तमाम उन्होंने ज़्यादातर मजामी नज़रियाती मबास के लिए वक्फ़ किए हैं इसलिए कि सुरूर साहब ने जहाँ हाल और शिवली की क्लासिकी तनकीदी रवायत को आगे बढ़ाया वहीं पर उन्होंने मगरबी फ़िक्र की रोशनी में नज़रियाती सतह पर भी उर्दू का दामन वसी किया सुरूर साहब के हद तक मगरबी तनकीद में जिस क़दर तरक्की हो चुकी थी जितनी तनखीदी नज़रियात वजूद में आ चुके थे उनका तारफ़ कराना भी ज़रूरी था सुरूर साहब को इस ज़रूरत का हमेशा शदीद एहसास रहा चाँद उन्होंने लगातार उर्दू में उर्दो तनकीद में बड़े सलीके और वक़ार के साथ मगरबी तनकीदी नज़रियात के अहम और काबिल कदर पहलुओं को शामिल किया जिसके सबब हमारी तनकीद में वसत पैदा हुई और उस नई रोशनी में शोरसुखन फहमी में बड़ी आसानियाँ पैदा हुई हमारी तनकीद जो काफ़ी हद तक तन दामानी का शिकार थी उसमें ज़रखेज़ी और तमवल पैदा हुआ सरूर साहब की तनकीदी नसर का एक अहम वस उसका अदबी हसन है उनकी तनकीद तशरी और तजिए से कम सरोकार रखती है अदबी तख्लीक में मज़मर बसीरत के पहलुओं की जानब इशारा करने ही पर इतफ़ा करती है हर चंद की यह कोई मामूली बात नहीं है ताहम उनके अहद तक चूँकि तनकीद एक बाकायदा दबिस्तान बन चुकी थी या एक इल्म बन चुकी थी जिसका बुनियादी काम वसूली और मारूदी तौर पर गैर जानबदारी के साथ अदबी मतून के तजियाती मताले के बाद खाम और पुख्ता तजर्बात में इम्तियाज़ की वजाहत करनी थी लेकिन सुरूर साहब अपने उताद तबाह के अतबार से इस कारगुजारी से अक्सर गुरेज़ा रहे और अपनी तहरीरों के ज़रिए बिलोम एक अरफा अदबी मजाक की आबियारी और तहजीब नफ़ को ही अपनी तरजीहत में शामिल रखा उनका ख़याल था कि तरक्की पसंद अदीबों और शायरों को नाराबाजी और सहाफ़ती तर्ज़ इजहार से गुरेज करना चाहिए बराह रास्त बयान के बजाय बिलवासता तौर पर इजहार ख्याल ही अदब में मुस्सन हो सकता है जो तहरीरें अदबी और साफ और जमालियाती रसूमियात से बेबहरा हैं वो अदब नहीं हो सकती उनकी इसी तनखीदी रविश के सबब तरक्की पसंद उनसे कनारा कशी अख्तियार करने लगे ताहम खुद उन्होंने इस तहरीक के कारामत पहलुओं और गहरे इंसानी सरोकार को कभी हकारत की नज़र से नहीं देखा सुरूर साहब जदीदियत के रुझान से भी इस हद तक मुतफ़ थे कि अदब और अदबी कारनामों की परख का पैमाना सिर्फ अदबी होना चाहिए हर चंद की इस हल्के में भी हद से बड़ी हुई हैद परस्ती के वह हरगिज़ कायल नहीं थे और अदब के नाम पर हर तजर्बे को पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखते थे ताहम इस हल्के में संजीदा अदबी फ़िक्र रखने वाले अदबा व शोरा की उन्होंने हमेशा हिम्मत अफज़ाई की और एक बालिदा अदबी व तनकीदी पैदा करने के लिए उनकी कोशिशों में शरीक भी रहे सुरूर साहब का बड़ा कमाल है कि उन्होंने किसी हलके से गैर मशरूत वबस्तगी कभी पसंद नहीं की अपनी जतीी सूझबूझ नज़र और ख़बर से ज़िंदगी और अदब दोनों को देखा और समझा और जो भी छोटे बड़े तनकीदी फ़ैसले किए उनकी जिम्मेदारी खुद कबूल की और तनहा सख्त तनकीदी मुहासुओं के कटहरे में खड़ा होना पसंद किया उन्हें खुद पर इतना इत... इतना अतमाद था कि किसी सहारे के बगैर उन्होंने तनकीद में अपनी दुनिया आप बनाई शायद यही वजह है कि तंजिया अंदाज में उनके लिए ये भी कहा गया कि वो इधर भी हैं और उधर भी जिसे दूसरे लफ्ज़ों में उनकी अदबी मुनाफ से ताबीर किया गया जिसका जवाब उन्होंने ये कह कर दिया कि सच किसी फर्द वाद या जमात की मीरास नहीं है अदब में मुकम्मल वली और मुकम्मल शैतान का तस्वर अक्सर नाकस और कम अखली का जहिदा है इस सूरत में सरूर साहब के तनकीद को मतवाजन फ़िक्र पर मबनी नु नज़र से ताबीर किया जाता है इसलिए कि वो किसी नौ की इंतहा पसंदी की शिकार नहीं है सुरू साहब अदब में मौजू और मवाद की ज़रूरत के भी कायल हैं और उसके इजहारी वसायल और फनी लवाजमात के भी गिरविदा हैं बल्कि इन दोनों की कामिल जस पजीरी और आमेदिश से मुतक्ल होने वाली कुलियत को वो सही मानों में अदब के ज़ुमर में शामिल करते हैं उनके नज़दीक मुतजरा अजा के अलावा अलहदा अलहदा वजूद से अदब का को कोई तस्वर क़ायम हो ही नहीं सकता अपने तनकीदी मजमू के एक मजमून और तो नए पुराने चराग में लिखते हैं कि मैं अदब का मकसद न जहनी अयाशी समझता हूँ न अशरक़त का प्रचार इमतियाजान इनफरादियत सुरूर साहब की इनफरादियत के जुन में एक नुक़ँ जिसे शमसुरहमान फारूकी ने सुरूर साहब की तबियत की रोमानियत बताया है बहुत अहम है कि वो नकद नज़र के लिए किसी अदबी गिरोह, हल्के याजुमन से वस्तगी ज़रूरी नहीं समझते और आदादा गौर व ख़ौ के जरिए अपने ख्याल व नज़रियात को इलमी मारूजी और इसदाली अंदाज से पेश करने पर इतफ़ा करते हैं उनकी तनकीद का दूसरा अहम वसव यह है कि अदबी अकदार की इशात पर इसरार करती है जिससे सुरूर साहब के लचकदार मसबत और तमीरी तनकीदी रवैये की गम माजी होती है सुरूर साहब की तनकीद की ज़बान पर आमतौर से एतराज़ किया जाता है कि ये तनकीद जैसे संजीदा और इलमी काम के लिए मौजूद नहीं है वह तनकीद में तनकीद की ज़बान इस्तेमाल नहीं करते अल्फाज का रंगीन गुबार पैदा करते और आमतौर पर इबाराई से काम लेते हैं उसलूब शोख शायराना और तासर आमेज होता है जिसके सबब उनकी तनकीदी तहरीरों पर तखलीकी नसर और इंशाइये का गुमान होता है बहरहाल इन कमजोरियों के बावजूद भी उनकी तहरीर में इबाम और उलझाव नहीं है बल्कि तनकीदी नसर की जाजबियत तनकीद जैसे खुश्क और दमाग को बोझल कर देने वाले मौजू को न सिर्फ गवार बनाती है बल्कि उसकी करत नहात लुत्फ लज्जत का बास हो जाती है जिसमें पन्हा इल्मिकमत और, और बसीरत के अनासिर कारी की जहनी तरबियत के मासवा, उसको गहरी तनकीदी बसीरत और शेर व अदब का एक वसी तनाजुर फ़राहम करते हैं जिसे सरूर साहब की तहरीरों का खसूस इम्तियाज़ कहा जा सकता है सरूर साहब के इमतियाज़ का यह पहलू भी नहायत अहम है कि उन्होंने ऐसे दौर में जब मग़रबी फ़नून का ज़बरदस्त गलबा था और ख़ुद उनका मगरबी इल्म भी खासा मुस्तज़र था उन्होंने अपनी क्लासिकी श व अदबी रवायत को कभी हकीर और कमतर नहीं तस्वर किया उस पर जवाल आदमी उस पर जवाल आमदगी का लेबिल चश्मा करने के बजाय उसको क़द्र की निगाह से देखा इलावा अजीं अपने ज़माने के अदब को नज़रअंदाज करने के बजाय हमदर्दी और खुलूस से अदना अली तजर्बात में फ़र्क वम्तियाज़ की वजाहत करके नौजवान उदबा व शुरा की तरबियत में हिस्सा लिया मकाम मरतबा आलम सुरूर का शुमार उर्दू के उनाला पाए के अदबी नकादों में होता है जिन्होंने अदबी तनकीद के फ़र्ज़ की बजावरी से कभी गफलत नहीं बरती मुसलसल उसके सरमाए में इजाफ़ा करते रहे जिसके बायस हमारी तनकीद में वज़न वक़ार पैदा हुआ गहरी और संजीदा अदब फहमी की राहें हमवार हुईं तनकीद में उनकी मुतवाजन रविश गहरे गहरेमाक और आला बसीरत के पेश नज़र बाज़ लोगों ने उन्हें उर्दू तनकीद का एलियट भी कहा है और ऐसा कहना कुछ गलत भी नहीं है इसलिए कि मगरबी दानश्वरों में जिससे उन्होंने सबसे ज़्यादा इस्ता किया वो एलियट ही है अगरचे दोनों काहद एक है ताहम तहजीबी लसानी रवायात एक दूसरे से बहुत महत्लिफ हैं सरूर साहब के मरतबे के तयन में इस पहलू से भी इनकार नामुमकिन है कि उन्होंने अपनी सलाहियत से तनकीद का पल्ला इतना भारी कर दिया कि आने वालों के लिए महज हल्के फुल्के मजामी लिख कर कदर आवरी हासिल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया हमारे द की हर अली तनकीदी काविश पर सरूर साहब का असर साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है आज की गुफ्तु बस यहीं तमाम करते हैं फिर मिलेंगे आदाब